लाठियां चटकाते पुलिस वाले, कमरे में घुस कुर्सियां फेंकते पुलिस वाले, लोगों को खदेड़ते पुलिस वाले। लेकिन पुलिस का ये जबरदस्त एक्शन वाला वीडियो किसी खूंखार अपराधी को पकड़ने या फिर क्राइम कंट्रोल के लिए नहीं है, बल्कि वसूली के लिए है। पुलिस के वसूली वाले इस कांड को लेकर जमकर बवाल हुआ और लोगों ने NH जाम कर खूब हंगामा किया। किस बात के लिए यहाँ हंगामा हुआ है? यहाँ पे अचानक आए प्रशासन और यहाँ डंडा चलाना शुरू कर दिया। किसी को ना कुछ पूछा कि आप कौन हैं, क्या हैं, और डंडा बरसाने कोई समझ में नहीं आने दिए कि क्यों किसको मार रहा है। क्या हो रहा था यहाँ पे, आप लोग कौन है? हाँ, क्या कर... बिदुपुर के AGM है और यहाँ पे हमारा BSFC का खदान आया हुआ था, उसको लोड करा करके यहाँ कांटा करवा रहे थे और प्रशासन अचानक आया और डंडा चलाना शुरू किया। स्थानीय तो उस समय आप यहाँ पे थे, क्या देखें, पूरी बात बताइए। पूरी बात आया और डंडा चलाने लगा। आप लोगों से कुछ बात बात कुछ नहीं? किसी से बात ही नहीं किया, किसी से डायरेक्ट डंडा फंडा चलाने लगे। किसी से बात करते तब तो किस कारण से डंडा मार रहे हो, क्या है नहीं है। दरअसल ये तस्वीरें हैं वैशाली जिले के सराय की। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH पर सराय में खाद सुरक्षा की सरकारी अनाज के ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा था। मौके पर राज्य खाद्य निगम के अधिकारी भी मौजूद थे और अधिकारियों की मौजूदगी में बारी बारी से ट्रकों को निकाला जा रहा था। लेकिन इसी बीच पुलिस की एंट्री होती है और हाथों में डंडा लहराते पुलिस वाले ताबड़तोड़ डंडा बरसाने लगते हैं। पुलिस वालों के इस रौद्र रूप को देख लोग इधर उधर भागने लगते हैं और पुलिस लोगों को खदेड़ती नजर आती। पुलिस की अंधाधुंध पिटाई में मौके पर मौजूद खाद निगम के अधिकारियों पर भी पुलिस का कहर टूटा और पुलिस वालों ने अधिकारियों को भी पीट दिया। को कितना कहां से रैक आया था, कितना रैक पहुंचा? भोजपुर से हम लोग का रैक आया था और 25,000 क्विंटल है, 41 बैगन में माल था और इसमें लमसम 50,000 बोरा था। तो कहां का मतलब भेजना था इसको, कैसे थोड़ा सा बता दीजिए। ये अपने वैशाली जिला के जितने भी प्रखंड में TPDS गोदाम है राज्य खाद्य निगम के, उन सभी TPDS गोदामों पे आवंटन के रूप माल भेजा जाना था। फिर काफी रात हो गया, करीब 12 बजे से ज्यादा हो गया है, तो इसके पीछे वजह? इसमें वजह ये है कि हम लोग बिना कांटा किए हुए हम लोग ड्राइवर के भरोसे खाद्यान्न को छोड़ नहीं सकते हैं। और एक और वजह यह भी है कि रोड पे खाद्यान्न, चूंकि सरकारी खाद्यान्न है तो रोड पे ट्रक लोड होके नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ कोई प्रशासन का व्यवस्था तो है नहीं जो कि उसको देख रेख कर सके। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे खाद्यान्न, 25,000 क्विंटल आज हमारा आया, तो चाहे जो भी रात बच जाए पूरे 25,000 क्विंटल खाद्यान्न लोड कर करके GPS लोड से युक्त वाहन पे लोड कर करके चलान काट करके अपने सारे TPDS गोदामों पर आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न को भेज दें। अच्छा, इस मतलब ऐसे रात में आप लोग काम करते हो तो इसमें पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है क्या आप लोग? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, देखिए आज पहला बार इस तरह से हुआ और उनके द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया ऑफिस में, जो कि सराहनीय कार्य नहीं है। कम से कम इनफैक्ट पूछना चाहिए उनको कि कौन क्या है, कौन पदाधिकारी है, कौन ऑपरेटर है, कौन ड्राइवर है, लेकिन बिना कुछ पदाधिकारी को भी पीट दिए। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे की वजह पुलिस वालों की वसूली है। बताया जा रहा है मौके पर मौजूद ट्रक ड्राइवरों ने ये भी बताया कि पुलिस ट्रकों से उगाही करती है और मन माफी उगाही के लिए खौफ बनवाती है, लेकिन यहां तो पुलिस वालों ने उगाही की हड़बड़ी में सरकारी कर्मचारियों को भी पीट दिया। भगदड़ के बीच पिटाई से घायल ड्राइवरों ने NH पर हंगामा और बवाल शुरू किया तो पुलिस वाले वहां से निकल लिए। भागे से गिर गए, कहाँ भाग रहे थे? यहाँ पे लगा, हम तो कांटा कर रहे थे गाड़ी लोग का, फिर उसमें घुसे, हम तो डर गए, चाहे घुसे नहीं घुसे सो, फिर हम पूछे सर क्या हुआ है, तो सीधा गया निकलो बाहर निकलो। रात में पुलिस वालों की इस करतूत को लेकर जब सवाल हुआ तो स्थानीय सराय थाने के अधिकारी पूरे मामले का ठिकरा कस्ती दल पर निकालने लगे, पुलिस वालों पर फोड़ते दिखे और खुद को मामले से अनजान बताया। हंगामा जाम की सूचना मिल रही थी NH पर, गश्ती पार्टी के द्वारा वहां पर गया था, वहां गश्ती पार्टी द्वारा जाके जाम को साफ सुथरा दिया। कुछ मारपीट का आरोप लग रहा है कि ड्राइव मारा पीटा गया? मारपीट का आरोप तो गश्ती पार्टी जो है वही रियल की बात बता दे, जो गश्ती में है वही बताए। वही रात के अंधेरे में पुलिस वालों के अवैध कारनामों और वसूली
कि किससे तो अक्सर कहे और सुने जा रहे हैं, लेकिन हाजीपुर में पुलिस ने हड़बड़ी में जिस तरह अपने अधिकारियों को ही पीट दिया, उससे बखेड़ा खड़ा हो गया है। खाद निगम के अधिकारी ने पिटाई की शिकायत वरीय अधिकारियों से की है। अब देखना है कि खास पर बट्टा लगाने वाले इन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई होती है या खास बचाने की जुगत में पुलिस मामले को रफा दफा करती है। दर्श न्यूज के लिए हाजीपुर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।